नमस्कार, स्वागत है आपका चार कोचिंग क्लासेस बहराइच में। अगर आपको हमारे वीडियो से कोई लाभ हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में टॉपिक लिख दें, जिससे कि हम आगे उस टॉपिक पर अपना वीडियो बना सकें। ठीक है, आज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मटीरियल कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फार्मूले में पढ़ लिए थे, और उसी कड़ी में आगे आज हम उस पढ़ेंगे। जैसे अगर मटीरियल का स्टॉक लेवल वगैरह डिसाइड कर लिया था हमने, अब हमको ये देखना है कि हमको मटेरियल जब इश्यू करना है अभी कंट्रोल करना है, तो परचेज में तो हमने कंट्रोल कर लिया कितना रखना है उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब जब हम माल इश्यू कर रहे हैं कि डेली में जरूरत पड़ती है, तो हम डेली जब इश्यू कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे। तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम अलग से अकाउंटिंग करते हैं, और उसके लिए अलग से अकाउंट रखा जाता है, और उसे के लिए अकाउंट जो ओपन करते हैं उसका नाम है स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, हमारा जो स्टोर लेजर अकाउंट है उसके लिए बनाया जाता है। अब स्टोर लेजर अकाउंट दूसरे अकाउंट से डिफरेंट क्या होता है? भाई दूसरे जो अकाउंट नॉर्मल आप बनाते हो अकाउंटिंग में, उसमें अमाउंट का काम होता है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट के साथ साथ एक अलग होता है, क्वांटिटी का भी होता है, क्योंकि क्वांटिटी की यहाँ जरूरत पड़ती है, कौन सी क्वांटिटी किस रेट की है, इसलिए उसमें क्वांटिटी का भी कॉलम रखा जाता है। तो स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा उसे जरा देखिएगा। यहाँ से ये स्टोर लेजर अकाउंट हम पहले पूरी लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और ये लाइन अब हमारी पूरी हो जाएगी। तो अब देखिए इससे इधर का जो हमारा है ये थोड़ा पतला हुआ, लाइन पतली रखेंगे, फिर ये जो हमारा साइड बचता है इसको पूरा तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तीन पार्ट हम बनाएंगे इसके, और ये जब तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक, और चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये तीन पार्ट, ठीक है, अब जब तीन पार्ट थे पार्ट फॉर इसका ऐसे ही, और हर एक कॉलम को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, एक और तीन दो, और इसको भी हम एक दो और तीन, ठीक है, तीन हो जाएंगे, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब तीन तीन पार्ट डिवाइड, तो जो हमारा मेन पार्ट ऊपर है, तो सबसे पहले देखिए इधर क्या होगा, ये होगा डेट, और डेट के बाद ये जो है ये है रिसीप्ट, ठीक, ये है रिसीप्ट, और ए है हमारा जो है रिसीप्ट के बाद इशू, ठीक है, इशू, और इशू के बाद में ये हमारा दिखाएगा बैलेंस, पर डे का हम बैलेंस निकालेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस हर डेट को हमारा क्या है। तो ये जो तीन कॉलम हमने बनाए, तो इसमें जो पहला कॉलम है ना ये होगा क्वांटिटी का, क्वांटिटी का कॉलम होगा, क्वांटिटी के बाद ये रेट का होगा, रेट, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है, ये हमारे तीन कॉलम होंगे। फिर इधर आ जाइए, इसमें भी क्वांटिटी और रेट और अमाउंट, इसमें दिखा जाएगा कि कितनी क्वांटिटी किस रेट वाली हमने इशू की है। अब इधर भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, इससे मैं पता चल जाएगा कि कितनी क्वांटिटी किस रेट वाली और कितना अमाउंट की बची हुई है। अब ये तीन कॉलम बनाते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, क्यों बनाते हैं, जिससे कि हम मटेरियल पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें, हम कि कौन सा माल कब मंगा रहे हैं और उसको कब बेच रहे हैं, ये तीन कॉलम। और ये स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के हम अलग अलग मेथड को फॉलो करते हैं, हर बिजनेस में जब माल को बेचता है तो अपने अपने तरीके से बेचता है, हर बिजनेस में अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हीं बेस पे कुछ मेथड्स बताते हैं जो इश्यू से रिलेटेड है। वो कौन सुंदर से कुछ मुख्य मेथड हैं उनकी बात करेंगे, तो मेन मेथड जैसे हमारा एक मेथड होता है फीफो मेथड, फीफो लीफो है, फाइफो है, लीफो जैसे फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मतलब मिनिमम इन फर्स्ट आउट, और हाइफो मतलब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये चार मेथड हमारे मेन है कंपनी जो बेचने के। अब हम पहले मेथड, पहला जो हमने बताया गया आपसे फीफो, फीफो मेथड जो हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फीफो, ये इंपॉर्टेंट है फीफो मेथड। अब फीफो मेथड में अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आएगा वो पहले आएगा, यानी जो उसको हम पहले खरीदेंगे उसको पहले बेचेंगे, और जिसको बाद में खरीदेंगे वो बाद में बेचा जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदेंगे वो पहले बेचेंगे। इसमें यह ध्यान रखना है इश्यू करने के टाइम पे ये मेथड हमें अप्लाई करना है, इश्यू करने के टाइम, यानी जो पहले खरीदा जाएगा वो पहले बेचा जाएगा। अब ये मेथड अप्लाई कहाँ किया जाता है, जो माल देखा जाता है कि एक डेट के बाद खत्म जो खराब हो जाते हैं, एक्सपायरी डेट वो होते तो सही है लेकिन उनकी कुछ एक डेट होती है उस डेट के बाद खराब हो जाते हैं, उन सब टाइप के स्टॉक के लिए ये मेथड उपयोगी होता है। तो अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस मेथड को
स्ट्रेंथ समझ लेते हैं कि इस मेथड में है क्या, इस मेथड को कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो ये मैं लिखा हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर योर अकाउंट इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। ईयर दिया गया 2007 की हमें इंफॉर्मेशन दी गई और 2007 की अगस्त की इंफॉर्मेशन दी गई। अगस्त फर्स्ट अगस्त को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, फर्स्ट अगस्त को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस देखिए उसमें दिखा रहा है कितना 1500 यूनिट, इसे डैश कर दीजिए क्योंकि हमारे पास बैलेंस है ना, वो ना तो इश्यू है, इसमें भी डैश कर दीजिए। देखिए हमें हमने डैश कर दिया कि ना तो इस डेट को हमने कुछ मान रिसीव किया और ना इस डेट को कोई जो है इश्यू किया। अब लेकिन बैलेंस है हमारे पास, यूनिट अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में यह है 1500 यूनिट और अगर रेट है इसका 4 रुपीज पर यूनिट। आप अगर टोटल अमाउंट देखें तो 1500 × 4 यानी ये हो जाएगा 6000। ठीक है, 6000 हो जाएगा। अब ये हमारा फर्स्ट डेट का, फर्स्ट अगस्त का हमारा बैलेंस था, एक हमारी हमने रिकॉर्डिंग कर दी और एक को हमारे पास बैलेंस दिखा रहा है। हमने 3 को फिर से क्या किया, अगस्त 3 को हमने परचेस किया यानी हमने रिसीव किया, कितनी यूनिट हम रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं देखिए 1400 यूनिट, यूनिट में अगर देखें तो क्वांटिटी में हो जाएगा 1400 क्योंकि 1400 यूनिट रिसीव कर रहे हैं और इशू कितना, रेट क्या है इसका 5, तो इस हिसाब से हो जाएगा 7000। ठीक, 7000 ये हो जाएगा हमारा 7000। इशू इस डेट को हम कुछ नहीं डैश कर दीजिए। अब बात करेंगे कि हमारे पास 3 अगस्त को कितना मान है, तो पुराना आपके पास बैलेंस था वो भी है और नया वाला आपने और खरीदा, तो जो पहले खरीदा था उसको उसी सीक्वेंस में लिखिएगा जिससे कि दिक्कत ना हो बाद में इशू करने के टाइम पे। तो 1500 यूनिट 4 के रेट से 6000 के हमारे पास इस डेट को है और हमने अभी और कितनी खरीदी 1400 यूनिट और खरीदी, तो इनको हमने यहां लिख दिया अब यह 5 के रेट से, तो यह हो जाता है हमारा 7000। यानी 2 रेट का माल हमारे पास आज की डेट में है। ठीक, ये हमारा हो गया 3 अगस्त की रिकॉर्डिंग हमने कर ली, ये हमारी 3 अगस्त की रिकॉर्डिंग कर ली। 3 अगस्त के बाद हम 7 अगस्त को, 7 अगस्त को हम फिर से माल खरीद जो है इशू कर रहे थे, इशू कर रहे हैं 7 अगस्त को इशू कर रहे थे, इसमें रिसिप्ट में आप डैश कर दीजिए 7 अगस्त। अब देखिए कितना दिखा रहा है, तो 1200 यूनिट इशू करना आपको, तो आप मेथड यहां पे अप्लाई करेंगे, कोई भी मेथड यहां पे आपको बता दिया गया वो मेथड आप इशू के टाइम पे आप अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड, तो फीफो मेथड है ना, फीफो मेथड क्या बता रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो पहले खरीदा था वो पहले बेचेंगे और जो बाद में खरीदा बाद में बेचेंगे। पहले आपके पास कौन सा माल पहले से प्रोवाइड है, तो ये है पहले से आपके पास 1500 यूनिट 4 के रेट से, तो पहले आप इसी में से भेजेंगे। ऑर्डर कितने का आया हुआ है 1200 यूनिट का, यानी पूरा ऑर्डर हमारा उसी से कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1200 रेट क्या है 4, तो ये हो जाएगा 1400 यानी टोटल अमाउंट ये हो जाएगा। अब इस डेट की क्लोजिंग की बात करें कि हमारे पास कितना है, तो इसमें से देखिए इसमें से 1200 यूनिट आप सेल कर चुके हो, 1200 यूनिट आप सेल कर चुके हो, बचा कितना 300 यूनिट, रेट क्या है 4। ठीक है, अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 1200 और इसमें देखिए तो ये तो पूरा पूरा है। ठीक है, ये कितना है, रेट हमारा है 5, तो ये हो जाएगा 7000, ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। और 7 अगस्त को हमारे पास जो क्लोजिंग है वो ये हो गया 7। अब 7 के बाद अगली ट्रांजेक्शन फिर चेक करिए आप कि किस डेट को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 11 को देखिए, तो 11 अगस्त को हम देख रहे हैं तो परचेस कर, उसमें देखिए कितना यूनिट में बात करें तो 1000, रेट क्या होगा, तो रेट है हमारा 6, अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना होगा 6000, 1000 × 6 कर मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आ जाएगा। अब इसमें इशू कुछ नहीं करे तो डैश कर, अब बात करेंगे क्लोजिंग, तो अब आपके पास माल कितना है, तो ये 300 यूनिट 4 के रेट से 1200 का और 1400 यूनिट पहले से
फाइव के रेट से जो है 7000 का अमाउंट दिया और ये 1000 लीटर जो आज आपने और परचेस किए हैं और इसका रेट है 6, तो ये हो जाएगा 6000। ठीक, और हमारे पास 11 अगस्त को ई मार्च, अभी हमारा इस डेट का क्लोजिंग होगा। अब 11 के बाद अगर देख रहे तो 13 अगस्त की बात करें तो 13 अगस्त को आपने परचेस किया कितना 500 यूनिट। रेट चेक करिए तो रेट क्या दिया है 7 तो यानी अमाउंट में देखें 1500 हो जाएगा। इस डेट को इश्यू कुछ नहीं करना, इश्यू कुछ नहीं कर रहा है, लेस कर दीजिए, अब इश्यू नहीं कर रहा है। तो अब क्लोजिंग की बात करेंगे, इस डेट को क्लोजिंग कितना बचा, तो पहले से जो था वो तो है ही, साथ में आपने और परचेस किया, अब हमारे पास 304 यानी ये 1200 हो जाएगा, 1400 यूनिट 5 के रेट से तो ये 7000 हो जाएगा, और 1000 यूनिट 6 के रेट से 6000 हो जाएगा। अब आपने आज की डेट में कौन सा खरीदा 500। ठीक है, ये क्रम से इसलिए लिख रहा है कि इससे इश्यू करने के टाइम पे में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये रेट क्या 7, ये हो जाएगा 3500, और हमारे पास 4 दमल 13 अप्रैल को, सॉरी अगस्त को हमारे पास है ये। अब 13 अप्रैल के बाद हमने जो है 15 अगस्त को हम देखते हैं तो हमने 15 अगस्त 700 यूनिट का हमें आर्डर दिया था, कितना 700 यूनिट, यानी इश्यू करने की बात की जा रही है 700। तो कौन से में से बेचेंगे, फीफो मेथड है यहाँ पे इशू के, जब इशू की बात आई तो फिर मेथड को चेक करिए, पर कौन सा मेथड फॉलो करें फीफो, यानी पहले जो है वो पहले दिखा दिया, तो पहले तो यही आया होगा। तो एक काम करो, इसमें से 300 यूनिट 4 के रेट से 1200 की सेल होगा। अब हमें आर्डर कितने का मिला है 700 का, हमें और कितनी यूनिट चाहिए 400, तो 400 यूनिट ले लेंगे, किसमें से इसमें से, रेट क्या होगा 5 के बाद ये तो अमाउंट हो जाएगा 2000। ठीक, अब ये इश्यू का था 700 यूनिट, ये आर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप नीचे जाइए तो सबसे लास्ट में कुछ ट्रांजेक्शन के बाद लास्ट में दिया है, लिखा हुआ है ऑन अगस्त 15 शॉर्टेज ऑफ 100 यूनिट वेयर रिकॉर्डेड, 15 अगस्त को हमने चेक किया तो पता चला कि 100 जो है यूनिट की शॉर्टेज होगी। अब शॉर्टेज को आपको रिकॉर्ड करना है तो एक टाइम का लॉस, लेकिन आप स्टोर रिजर्व अकाउंट में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो शॉर्टेज जो होता है उसको स्टोर रिजर्व अकाउंट में ऐसा इश्यू के टाइप से रिकॉर्ड करते हैं, और सरप्लस को रिसिप्ट की तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब यह है क्या शॉर्टेज, शॉर्टेज यानी बिल्कुल इश्यू की तरीके से आप रिकॉर्ड करिएगा, बाकी लॉस है वो हम फाइनेंशियल में वहां पे लगाते हैं, कैलकुलेट कर लिया जाता है। यहां पे देखिए 100 यूनिट रेट क्या होगा, इसी में से आप शॉर्टेज देखेंगे क्या 5, तो कितना हो जाएगा 5। अब ये हमने इशू के टाइप से रिकॉर्ड कर लिया, अब बात करेंगे कि क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना बचा है, तो क्लोजिंग आज देखिए 300 सेल हो चुका है, इसमें से 400 ये और 100 यानी एक बचा आपका 9, रेट क्या होगा 5, टोटल अमाउंट 1500, टोटल 1500। अब 1000 ये जो है 6 के रेट से 6000 का हो जाएगा। ठीक है, और 500 यूनिट ये बच जाएगा आपके पास, ये तो है ही, तो ये 35। अब ये पूरा इस डेट का क्लोजिंग आ गया, ये क्लोजिंग इस डेट का 15 अगस्त का आपका। अब अगस्त 17 की बात कर रहे हैं, अगर 17 को चेक करें तो इशू किया गया फिर कितना 1000 इशू करने की बात करें, 1000 यूनिट। अब 1000 यूनिट की देखेंगे तो अब किसमें से सेल करने की जब आएगी तो फीफो मेथड है ना, तो सबसे पहले इसको सेल करो, रेट क्या है 5, ये हो जाएगा 40। अब 1000 का ऑर्डर आएगा, 900 आपने प्लेस किया इसमें से 100 यूनिट जिसमें से लेनी चाहिए 100 यूनिट, रेट क्या 6, तो ये हो जाएगा 600 और ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग ये पूरा
सोल्ड हो चुका है, ये भी इसमें का 100 सोल्ड हो चुका, तो कितना बचा 900। रेट क्या है 6, अमाउंट में क्या आ जाएगा 5400। ठीक, और ये 500 यूनिट 7 के रेट से, तो कितना आएगा 3500। ये अमाउंट हमारा हो जाएगा, ये 17 अगस्त का बन गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। 17 अगस्त के बाद 19 अगस्त, आप ठीक है, 19 अगस्त को क्या कर रहे, परचेस कर रहा है, कितना 200 यूनिट। ठीक, 200। रेट क्या है, रेट को देख लीजिए, तो रेट है 8, तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 60। ठीक, इश्यू कुछ नहीं है, तो डेस कर दीजिए आप। क्लोजिंग कितना बच रहा है, तो जो पहले से था वो तो है ही आपके पास, कितना 900, 6 के रेट से 5400, और ये 500 यूनिट 7 के रेट से 3500 यूनिट, और ये आज आपने खरीदा कितना 200 यूनिट 8 के रेट से 1600, और ये हमारा आज ही रेट का क्लोजिंग हो गया, 19 अगस्त को आपका क्लोजिंग है। अब 19 अगस्त हो गया, इसके बाद 20 अगस्त को अब देखिए आप इशू करो कितना 800 यूनिट। यहां देखिए 800 यूनिट कहां से जाएंगे, तो इसमें से क्या होगा, यूनिट में 800, अमाउंट की बात करें तो रेट क्या होगा 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4800। ठीक है, और हमारा ये जो है 4800 मान इशू हो गया। अब क्लोजिंग देखेंगे तो इसमें से कितना बच गया आपके पास 100 यूनिट, क्योंकि 900 था, 800 इशू हो चुका है, 100 यूनिट बचा, रेट क्या है 6, यानी अमाउंट की बात करो तो 600 हो जाएगा, और यहां पे रेट है ये, बाकी ये पूरा पूरा है 500 यूनिट, रेट 7 3500। ठीक है, और ये 200 जो आपने लास्ट में खरीदा था वो भी बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1600। अब इसको अगर आप ऐड करें तो ये टोटल हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगा वो अमाउंट में अगर आप करें टोटल क्लोजिंग, तो 5700 दिखाएगा। कितना दिखाएगा आंसर में 5700 अमाउंट में दिखा रहा है, ये 5700 अमाउंट में दिखा रहा है। ठीक है, और ये आपने देखा कि फीफो मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फीफो मेथड से सॉल्व किया, लेकिन ये मेथड अप्लाई फीफो कहां होगा, जब हम माल को इश्यू करेंगे। ठीक है, तो माल इश्यू करने की बारी आएगी, तब इश्यू करने के टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि किस मेथड से आप स्टोर यूजर अकाउंट अपना मेंटेन करते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट करिए इसको।